नमस्कार, कक्कू की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ठंडाई। आइए बनाते हैं ठंडाई। ठंडाई बनाने के लिए हम सबसे पहले ठंडाई का पाउडर बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है एक बोल काजू, एक बोल बादाम, आधा बोल सौंफ और 1/4 पिस्ता, 2 टीस्पून खसखस, 2 टीस्पून काली मिर्च, 15-20 इसमें से इलायची दाना ले लेंगे हम। इन सबको हम मिक्सी के जार में ग्राइंड करेंगे। तो सौंफ डाल रही हूँ, बादाम, काजू, पिस्ता, खसखस, काली मिर्च और इलायची को भी इसी में पीस लेंगे। देखिए बिल्कुल ग्राइंड हो गया है। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। हमको ये बारीकी पीसना है। इस तरह से इसे आप लिक्विड भी बना सकते हैं, वैसे चीनी का सिरप बना के वैसे, पर मैं सूखा ही बनाती हूँ क्योंकि ये खराब नहीं होता, उसका थोड़ा खराब होने का डर रहता है। इसे आप 2-2.5 महीने अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब हम ठंडाई बनाएंगे। ठंडाई बनाने के लिए हम 2 ग्लास ठंडाई बना रहे हैं करीब, तो उसमें 3 चम्मच ये पाउडर डाल देंगे, ठंडाई पाउडर, 1 चुटकी केसर, 2 चम्मच में ये मिश्री डाल रही हूँ। आप चाहे तो चीनी, बूरा कुछ भी ले सकते हैं, पर मिश्री हेल्थ के अकॉर्डिंग भी सही रहती है, बहुत फायदा करती है। और ये 2 ग्लास दूध डाल रही हूँ। एक बार मैं इसको चला लूंगी मिक्सी को, फिर इसमें 2-3 क्यूब्स आइस के डालूंगी। ये एक बार ग्राइंड कर लिया है मैंने, अब इसमें 2-3 आइस क्यूब डालूंगी, क्योंकि नाम ही इसका ठंडाई, तो ठंडाई तो ठंडी ही, चिल्ड हो तो ही अच्छी लगती है। देखिए तैयार है हमारी ठंडाई और बहुत अच्छी इसमें खुशबू भी आ रही है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हम इसे थोड़ा गार्निश कर देंगे बादाम की कतरन से। लीजिए तैयार है ठंडाई। आप इसका स्वाद और बढ़ाना चाहते हैं तो जब पाउडर बना रहे हो तो इसमें सूखे गुलाब की पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी बनी आपकी ठंडाई। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब कीजिए।